जैसे कि आप सब जानते हो कि आकांक्षा पुरी जो है वो बिग बॉस के घर में थी और उसके बाद जिस तरीके से उनका एलिमिनेशन हुआ उस पर बहुत सारे लोगों ने सवाल भी उठाया था, ये कहते हुए कि यार आकांक्षा पुरी जो है उनको मतलब घर वालों से मिलने का मौका नहीं दिया गया था, जिसपे बहुत सारे सवाल जो हैं वो उठाए गए थे। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं यहीं तक नहीं सीमित हुई हैं। अगर आपको याद हो तो कल बिग बॉस ने एल्विश को डिक्टेटरशिप वाला टास्क दिया था और उसी दौरान ऐसी एक चीज़ हुई जो कि शायद उसके बाद जिया पूरी तरीके से विलन बनती हुई दिखी, और उस पर आखिर क्या बयान आया है आकांक्षा पुरी का, आइए आपको देते हैं इस बारे में पूरी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मैं हूं आपका अपना दोस्त और होस्ट गणेश कांत। आपको बता दूं कि यार जनता जो है वो इस समय जो है एल्विश को काफ़ी ज़्यादा पसंद कर रही है। धीरे धीरे के हिसाब से अगर देखा जाए तो यार ये ऐसा पहली बार होगा किसी सीज़न में कि भाई वाइल्ड कार्ड ने आके ऑलमोस्ट इतने समय से लोग घर में हैं लेकिन उनसे पूरी की पूरी लाइमलाइट ले ली है, और क्लियर है कि जनता जो है उनको पसंद भी कर रही है। लाइक 10 लाख प्लस वोट्स उनको मिले हैं, ये पहली बार है किसने 1 मिलियन पार किया है, तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि लोग जो है इस समय मतलब एक वाइल्ड कार्ड आए हैं एल्विश और इतना प्यार उनको मिल रहा है मतलब पूछिए मत। और आपको याद हो तो कल बिग बॉस ने खुद इनको डिक्टेटर बनाया था और घर वालों को वार्निंग देने को कहा था, और घर वालों से वो काम भी करवा सकते थे क्योंकि वो उनका शासन था, लेकिन उसमें शायद कुछ लोग जो हैं वो राजी नहीं थे कि एल्विश जो हैं वो राज करें या कैप्टन बने, जैसे कि अविनाश, फलक और जिया। और जिया ने उसी दौरान साबुन पानी जो पीने का पानी होता है उसमें हैंड वॉश डाल दिया था और वो लाकर एल्विश को दिया पीने के लिए, जो एल्विश समझ गए थे। और उसका इनकी थोड़ी तूतू मैमी भी हुई, तो वो परिवार को लेकर भी हुआ बातें, तो उसी पर आप देख सकते हो ये किसने पहले ट्वीट शेयर किया था और ये जो हैशटैग है वो ऑलरेडी ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, शेम ऑन जिया ट्रेंड्स ऑन ट्विटर आफ्टर शी गिव्स वाटर मिक्स्ड विद हैंड सोप हैंड वॉश सोप टू एल्विश। इसके बाद आकांक्षा पुरी ने इस ट्वीट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है रियली आर यू सीरियस, आप देख सकते हो ये ट्वीट है आकांक्षा पुरी, देखते हैं रियली आर यू सीरियस आई हैव नॉट सीन द एपिसोड बट दिस इज शेमफुल एंड नॉट डन दिस इज इनसेन। उसके बाद भाई किसने लिखा है कि एल्विश यादव से डर है इनको, इनका बाप है और आगे चल के रोएंगे, लिख के ले लो। उसके बाद को लग रहा है कि जियो सिनेमा शुड किक आउट जिया शंकर इमीडिएटली, और इसी के साथ साथ जिया शंकर ने इसे हैंड वॉश जो है पानी में डाला, तो कल लोग जो है वो इतने ज़्यादा भड़क गए थे और उनका ये कहना था कि जब जिया शंकर ने पानी में हैंड वॉश डाल के पीने को दे दिया वो सही था, लेकिन वही हैंड वॉश एक बंदा अपने सर पर डाल लिया तो आपने उसको घर से बाहर निकाल दिया। पुनीत सुपरस्टार के साथ अब जिया को कंपेयर किया जा रहा है, तो अब देखने वाली बात है कि भाई इस पर बिग बॉस क्या आप रिप्लाई करते हैं या फिर सलमान खान जो है वो क्या एक्शन लेते हैं। मतलब यार आप किसी को पानी में साबुन डाल के देते हो तो बहुत ही ज़्यादा गलत बात है, तो इस पर आपकी क्या राय है और आकांक्षा के इस ट्वीट पर आपकी क्या राय है हमें ज़रूर बताएगा हमारे कॉमेंट सेक्शन में लिखकर। और इसी तरीके की और भी बहुत सारी अपडेट्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ यानी कि फीफा फूज के साथ। धन्यवाद।